एवरीवन। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स माय ब्रदर। हे एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, बिकॉज मम्मी सेड वो पापा का फेवरेट है। चलो। मैंने यहाँ ये बड़े स्पून से 5 स्पून बेसन लिया है, 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून शुगर। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब धीरे धीरे पानी डालना है और मिक्स करना है। थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर भी मैंने प्री हीट पर लगा दिया है। अब मैं डालूंगी इनो। और फिर से मिक्स आई फॉरगॉट टू ऐड हल्दी, सो सॉरी। हल्दी ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही डालना है, मैं भूल गई थी। अभी पैन में ऑयल डालकर ग्रीस करूंगी इसको चारों साइड से, और फिर इसमें अपना ढोकला का बैटर डालना है। ढोकला गया अंदर। कंजूसी बहुत ही ज्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंजूस नहीं भी हो तो कंजूस बन जाओ। हौसला, ये तो बिल्कुल मैंगो प्यूरी जैसा है। हाँ। लो फ्लेम पर पकने देना है। ढोकला का सिरप बनाने के लिए बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालना है। ओफो, मेरा गैस बहुत गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड और ग्रीन चिली, अयो मैम, करी ली। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं ये दूसरे के फ्लैट से चुरा कर लाते थे। थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा, और थोड़ा चीनी। माय छुरी इज ऑल्सो टूटा हुआ। थोड़ा सा लेमन जूस, या ये हो चुका है। हम अब ढोकला के पकने का वेट करेंगे। मुझे ये इसको चेक करना। सी, दिस इज क्लीन। इसका मतलब कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे निकाल कर खाते हैं।
आज का स्पेशल इक्विपमेंट, क्योंकि घर पे वो नहीं है, यूटेंसिल होल्डर। आई एम अ प्रो। अब इसको ठंडा होने देना है। ओएमजी, नाउ द मैजिकल मोमेंट इज हियर। Got it. Wow, so soft. ये सिरप हमने प्रिपेयर किया था, वो इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। If you like my video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching. Bye.